अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं हमारे चैनल बियॉन्ड डिस्प्ले। मैं हूं आपका होस्ट वैसबेग और आज हम आए हैं जी माल्टों के बाग में। और जैसा कि आपको पता है सर्दियां, और सर्दियों की जो मेन सौगात होती है माल्टे, फ्रूटर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, तो आज हमने सोचा कि यार सर्दियों में माल्टों का बाग आपको दिखाया जाए। यहाँ पर खानपुर का एक फेमस जो है यहाँ पर बाग है इमरान फार्म के नाम से, यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आज उनसे पूछते हैं कि माल्टों किस तरह से उगाते हैं, क्या सिलसिला होता है और कैसे हम तक पहुँचता है, तो आए पता करते हैं। तो जी हमारे साथ हैं यहाँ पे इमरान भाई। इमरान भाई के खानपुर में एक बहुत ही बड़ा माशाल्लाह माल्टों का बाग है, तो इनसे पूछेंगे कि माल्टों को किस तरह से इनकी काश्तकारी की जाती है, कैसे उगाया जाता है, कैसे हम तक पहुँचाते हैं, तो सारी मालूमात लेते हैं इमरान भाई से, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। सलाम, कैसे हैं? ठीक है इमरान जी, बताएंगे अपने बाग के बारे में। सर ये खानपुर का मशहूर माल्टा है, रेड ब्लड भी है, शकरी है, मौसमी है, और यहाँ पर जो ग्रेप फ्रूट भी वगैरह भी हैं, और उसको जो पानी लगता है वो साफ़ सुथरा पानी डैम का होता है, जो ज़मीनों को और बाग वगैरह जितने पौधे वगैरह हैं इनको लगता है, और इनकी काश काफ़ी अरसे से है, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो कम से कम 20-25 साल हो गए हैं इस फील्ड में आया हूँ, और हर क्वालिटी का माल्टा यहाँ पर मिलता है, साइज़ में भी, कलर में भी, रेड ब्लड में, जो अंदर से भी सुर्ख होता है, जो इस खानपुर का मशहूर माल्टा है कि जो पूरे पाकिस्तान में जगह जगह जाता है, तो हम खुद भी डिलीवरी करते हैं इस चीज़ की, जहाँ पर नज़दीक तरीन हो दोस्तों वगैरह को, रिश्तेदारों को, और लिखों वगैरह देते हैं, तोहफे वगैरह भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। अभी हमने एक शुरू किया है सिंगापुर के लिए, वो कुछ सैंपल भेजे हैं, इंशाल्लाह संडे तक वो उसका अप्रूव होगा। हाँ, देखें फिर वो क्या कहते हैं। सिंगापुर भी आप इंशाल्लाह अभी पैकिंग करके जो हम भेजेंगे उसमें अपना मोनोग्राम और जो भी वगैरह आया है, लेकिन यही बाल्टा आपको वहाँ पर टेक्सला में मैन बाजार जो रेलवे रोड पर है, इमरान फूड शॉप पर दुकान पर मिल सकता है, वहाँ पे भी आपको इमरान फूड के वहाँ पे दुकान भी, हाँ भी दुकान पर नाम भी है वो। फिर ठीक हो गया। इमरान भी कितनी किस्में होती हैं माल्टों की, क्या किन्नू, इस पर क्या फर्क क्या होता है माल्टा किन्नू, इसमें असल किन्नू जो यहाँ पर जो मशहूर चीज़ है वो उसका रेड ब्लड माल्टा है और शकरी माल्टा है ज़्यादातर मौसमी, ये तीन जो है इस इलाके में जो है खानपुर में सब ज़्यादा मशहूर हैं। अच्छा, किन्नू वगैरह जो सरगोधा में होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल कम होता है, वो सिर्फ माल्टे के नाम से जायका भी होता है इसमें, सबसे वजह जो है साफ पानी है, मतलब पानी की वजह से खानपुर का जो एक मेन पानी लगता है उस वजह से बिल्कुल जायका बनता है उस वजह से। तो शकरी में और रेड ब्लड में क्या कोई मेन फर्क, मतलब कि शकरी जो होता है बहुत मीठा होता है, चीनी ज्यादा मीठा होता है, अगर आप तीन चार दाने भी खा लेंगे तो आप साथ जुड़ जाएंगे इस वजह से, इतना मीठा होता है उसमें। और जो रेड ब्लड है उसमें तो थोड़ी तुरसी होती है ना, रेड ब्लड होता है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, रेड ब्लड लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं रेड ब्लड, खासकर बच्चों में वो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और ये रेड ब्लड का काफ़ी एक्सपोर्ट भी होता है बहुत ज़्यादा, और इस इलाके में सब ज़्यादा जो है वो रेड ब्लड ज़्यादा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा रेड ब्लड है इसमें। तो अभी आप हमें दरख्तों के साथ बताएंगे मतलब क्या क्या है, ये कौन सा लगा हुआ है? ये अभी आपके सामने जो माल्टा लगा हुआ है ये शकरी माल्टा है जी, ये देखें जी ये शकरी माल्टा है। तो इसके इमरान भी तैयार होने में कितना टाइम लगता है, और ये दिसंबर तक तैयार हो जाता है ये वाला, मतलब कितना अर्से में एक फल लेता है तैयार होने में? इसमें तो आपको ये फरवरी मार्च तक माल्टा रहता है माशाल्लाह जी, देखें ये शकरी माल्टा है जी, शकरी माल्टा है जी, ये कहते हैं जी बहुत ज़्यादा मीठा, हद से ज़्यादा, तो खाते हैं चेक करते हैं, बिल्कुल शकरी खोलना है, हाँ खोल दाने खोल दाना शकरी ने, शकरी जो वो रेड ब्लड है, बाकी ये बहुत ज़्यादा मीठा माल्टा है। ये चेक करें जी। अच्छा जी, ये भी वही चीज़ है, दूर मतलब कौन है? वो बहुत दूर है। ये भी वही चीज़ है। आज ये मौसमी है जी। ये मौसमी है। बहुत दूर है। हेलो। ये मौसमी है। तो कौन दो दाएं? तो इमरान भी मौसमी में और ये शकरी में क्या फ़र्क है? ज़रा जायके में फ़र्क होता है ये, अभी आप चेक करें ना आपको जायके का फ़र्क महसूस हो जाएगा। ये मौसमी है, ये हम ट्राई करने लगे हैं, इमरान भी कह रहे हैं कि शकरी में और मौसमी के जायके में फ़र्क होता है। ठीक, ये भी मीठा है लेकिन इसका थोड़ा सा जो मीठापन है वो थोड़ा बैलेंस है। एक मिनट, ये मौसम आप ट्राई करो, सब खाए तो। ये कौन से? ये रेड ब्लड वाले हैं, रेड ब्लड। अभी इसका टाइम है ना तैयार होने में, बाहर से सुर्ख हो गए हैं लेकिन अंदर से जो है उसका भी टाइम है। ये वाला जो रेड ब्लड है अभी कह रहे हैं कि इसमें टाइम है
तो ये क्या हो जाता है, तो ये अंदर से बिल्कुल रेड हो जाएगा, बिल्कुल रेड हो जाएगा, इसलिए इसका नाम भी जो है वो रेड ब्लड रखा गया। ठीक, इसको भी ट्राई करते हैं। ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो रेड ब्लड है, वो ग्रेप फ्रूट है, वो ग्रेप फ्रूट है, इसको चकोतरा बोलते हैं। गिरगुल भी है जो किडनी को साफ करती है, पथरी वगैरह जो, हाँ पथरी के लिए वो रेड ब्लड है जी। बाकी इसका जो थोड़ा सा तुष्ट जायका होता है, लेकिन खाने में ये काफ़ी मज़े का लग रहा है, और इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड भी है। इमरान भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा। आप किसी इलाके में भी शहर में जाएंगे, आपको सबसे खानपुर का जो माल्टा है वो मशहूर माल्टा है इसका। ये पथरी वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, गिरगुल इसे और भी कुछ इसमें चकोतरा भी कहते हैं, चकोतरा अलग होता है, शुगर के लिए होता है ये। अच्छा अच्छा, तो ये इसलिए होता है कि इसमें पथरी वगैरह जो हो गुर्दे में उसको खत्म कर देती है। बिल्कुल देखेंगे कुदरती चीज से भी आपके जो भी, अगर आप इसमें सुई रखेंगे और रात को देखें, आप सुबह देखेंगे उसमें सुई खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ बिल खत्म, मतलब ये बिल्कुल आपकी कह लेंगे जो जिसम में पथरियाँ वगैरह हो जाती हैं उसको खत्म करने में बिल्कुल कारामद है। ज़बरदस्त कुदरत माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके सामने शांडी कर रहे हैं माल्टा, साइज में लदा लदा कर रहे हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, फिर उसके साथ इसकी पैकिंग कर रहे हैं लदा लदा दानों की, जो अलग क्वालिटी का होता है वो एक इस तरह लदा करते हैं, 100 दाने की पैकिंग करके देते हैं। जिस तरह हर बंदे की अपनी च्वाइस होती है, छोटा हो बड़ा हो इस तरह का। ये आप कम सामने सारा नज़र आ रहा है कि कम से कम 5-6 किस्म का साइज निकाल रहे हैं इसमें, और अलग क्वालिटी का जो एक साइज में वो ही निकलता है सामने। और यहाँ पे आप 100 सैकड़ों के हिसाब से आप ये सैकड़े, हाँ वो बिल्कुल 100 दाने से पैकिंग हो रही है। ये छोटे जो हैं ये 120 दाने भी होते हैं, 150 दाने का भी होती है, 200 दाने की पैकिंग करते हैं। तो आजकल अभी क्या रेट चल रहा है इनका सैकड़ा के हिसाब से, किन्नो माल्टा वगैरह सब कुछ? जो अच्छी क्वालिटी का है वो उसका तो 1500 रेट चल रहा है। अच्छा, जो नॉर्मल है वो 1200 का, 800 का, 700 का। अच्छा, हर क्वालिटी का अपने जो क्वालिटी के हिसाब से जो है। तो ये देखा आपने माल्टे का माशा, यहाँ पे बाग और सारा सेटअप किस तरह से माल्टा यहाँ पे उगाया जाता है और किस तरह से फेमस है शकरी माल्टा, रेड ब्लड माल्टा, और फिर किस तरह से यहाँ पे इनकी पैकिंग होती है, सैकड़ा के हिसाब से पैकिंग करते हैं, और फिर उसके बाद मार्केट्स वगैरह में ये निकाल दिया जाता है, और यहीं से ये फिर बाहर जिस तरह भाई ने बताया कि सिंगापुर तक भी ये इम्पोर्ट और मतलब एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर विज़िट करें, यहाँ पर माल्टा अगर आप खाते हैं तो खानपुर लाजमी आए। खानपुर का माल्टा मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा वाकई इसमें जायका होता है। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। हेलो, छोटे दे दे लेकिन खट्टे दे दे। मुनीर साहब सही मसरूफ हैं खाने में, खाते भी नहीं खाते हुए देखते भी नहीं। वैसे ये बात है, वैसे भी काटना हमने आता ऐसे काटते नहीं होते कैसे काट, बस ये सही है, सही है। हमारे जो नायक जी हैं उन्हें माल्टा भी नहीं काटना, माल्टा भी काटना नहीं आ रहा अभी अभी। इधर है ये खानपुर के रेड ब्लड माल्ट, जय जी खानपुर डैम का मशहूर माल्टा रेड ब्लड, अंदर से बिल्कुल सुरख है।